एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट, अगर आपने जरा सी भी तैयारी कर ली तो शायद आपको ये नंबर लुटा के जाएगा। तो इस टॉपिक को ना भूलें, ना इस सब्जेक्ट को भूलें। यह है आपका हाई स्कूल लेवल पर और इंटर लेवल पर दोनों जगह आपको काम देता है, ड्राइंग, चित्रकला। तो चित्रकला में हाई स्कूल में इस समय क्या है, आपको एक फूल रंगने के लिए आएगा और वो होगा आपका 30 नंबर का। 10-10 नंबर के दो सेट करने के लिए आएंगे, पेंसिल से सेट करने के लिए। तो अगर आप फूल ठीक ठाक बना लेते हैं तो आपको 100% 30 में 300 नंबर मिलते हैं। अब थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ इसलिए 20 नंबर के उसमें विकल्प आएंगे। तो समझते हैं, आओ एक एक करके धीरे धीरे बारीकियां समझते जाएं, फूल को किस प्रकार से बनाते हैं। अगर आपको सबसे पहले समझते हैं कमल का फूल बनाना, क्योंकि ये थोड़ा कमल के फूल में सिर्फ आपको एक ही चीज की दिक्कत आएगी और कोई दिक्कत नहीं आती है, और वो होता है बीज की कली बनाना। अगर आपने बीज की कली जरा सी भी बना ली तो आपको पूरा फूल तैयार हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि कमल के फूल में क्या करते हैं। या तो आप इस तरीके से पॉइंट रख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से दूरी मान करके आप पॉइंट रख लें, उन पॉइंटों पे बना लें। या एक जुगाड़ में और आपको बताता हूं, आप कॉपी उल्टी कर लें। जैसे मान लिया ये मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर, अभी यहां पर कोई कॉपी, चलिए ये दिखाते हैं आपको, एक कॉपी है, ठीक है, और इसमें कॉपी में ये कॉपी है और आपको इसे सीधी ये कॉपी इस तरीके से बनाए। तो हम क्या करते हैं, इस कॉपी को उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। जब उल्टा करते हैं और फिर इसे हम सीधा कर लेंगे, तब जो है कली आसानी से बन जाएगी, बीच वाली और नीचे वाली फिर इस तरीके से आसानी से बना लेंगे। तब क्या होगा, अगर एक कली आपसे बना ली तो आपका पूरा कमल का फूल तैयार है। तो एक तो जुगाड़ ये है कि कॉपी को उल्टा करके बना लें, दूसरी जुगाड़ ये है कि आप पॉइंट रख लें, पॉइंट रख करके बना लें, इस तरीके से पॉइंट रखें और इस तरीके से पॉइंट रखें, इधर से आप जो है इस तरीके से कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बराबर रख लें, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से आपको गुजारना पड़ेगा इस रेखा को, और इस तरीके से और इस तरीके से। तो आपको जब बीच वाली कली अगर आपकी तैयार है तो आपका पूरा कमल का फूल तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं कि बीच वाली कली एक बनाते हैं और चलिए इसी कली बना लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी बीच वाली कली तैयार हो गई। इधर क्या करते हैं, इस तरीके से लिया और इस तरीके से लिया, इस तरीके से मिला लिया, उतनी ही बराबर वाली दूरी से इस तरीके से और इस तरीके से, इस तरीके से मिला लिया, ठीक है। आपकी दो कलियां तैयार है। नीचे वाला आप चाहे तो अभी बना लें और चाहे दिल करे तो बाद में बना लें, क्योंकि उल्टा करके जो है आसानी से बन जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब इस तरीके से, इस तरीके से ले और इस तरीके से ले। कभी भी आप किताब से देख करके बनाएंगे तो हमेशा फंस जाएंगे, क्योंकि उसमें बड़ी महीन डिजाइन दी होती है और उलझन में पड़े रहोगे, उस तरीके से बनाते बनाते थक जाओगे, बना नहीं पाओगे। देखिए कमल का फूल आसानी से तैयार है, कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको, और इस तरीके से नीचे वाली निकाल देते हैं, ये कमल के फूल बन जाता है। कुछ नहीं काम करना है, सबसे आसान रंगना इसे सबसे आसान है, क्योंकि इसकी कलियां बड़ी बड़ी होती हैं, इसे रंगने में आसान हो जाता है। आप गुलाब का फूल रंगेंगे, आप सूरजमुखी का फूल रंगेंगे, ये फूल थोड़े आपको टफ पड़ जाएंगे। दूसरे फूल को सीखते हैं, कि उसमें एक भारतीय पुष्प बनाने के लिए आएगा। अब आपको जो भी आराम से बने उसे बनाने उसे बनाएं। दूसरे फूल को देखते हैं, अगर आप सीखते हैं गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल या सूरजमुखी का, हम आपको सारे फूल दिखा देंगे। चलिए बनाते हैं गुलाब का फूल बनाते हैं पहले। तो गुलाब के फूल में कुछ ना कुछ आपको आधार मानना पड़ेगा, तो इसमें मैंने इस तरीके से आधार माना और इस तरीके से आधार माना, इस तरीके से रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरीके से कुछ नहीं, देखो मैंने किया छोटी छोटी कलियाँ इधर से बना दी, क्योंकि अंदर गुलाब में छोटी कली होंगी। अब यहाँ से लेकर के जाएंगे और इस तरीके से ऐसे कर देंगे, यही काम इधर से भी करना है, ऐसे कर दिया, इधर से इस तरीके से मिला दिया और आपका गुलाब का फूल तैयार है। नीचे इस तरीके से कोई डंडी निकाल देंगे, ये तो काम बाद का है, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी निकाल दीजिए और ये इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से पत्तियों को बना लेंगे, नीचे की तरफ उधर शेप लेकर के जाएंगे और नीचे की तरफ झुकाते चले जाएंगे, पत्तियां बन जाएंगी इसकी, क्योंकि अब यहाँ पर अगर चाहें आप पत्ती तो इस तरीके से निकाल लें, ठीक है। तसल्ली से सीखिए, ध्यान से सीखिए, ये सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे अच्छे नंबर आपको मुफ्त में नंबर देता है,
सब्जेक्ट जरा सी मेहनत चाहता है, जरा सा ध्यान। तो इस तरीके से पत्तियां यहाँ पर भी निकाल लेंगे, अगर आप चाहें तो इसमें इस तरीके से बना लेंगे। कली बनाने के लिए कलियां आप निकाल लीजिए, कहीं से भी कली बना लीजिए। दूसरा फूल आप सीख सकते हैं, कहाँ पर सिखाएं आपको, चलिए यहाँ पर सिखाते हैं। अगला फूल आप सीख सकते हैं तो आप गुड़हल का फूल सीख सकते हैं। गुड़हल के फूल में कुछ नहीं करना, इस तरीके से आप एक बनाइए और इस तरीके से बना करके आप जो है और इसे इस तरीके से घुमा लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जरा सा थोड़ा थोड़ा ध्यान समझते जाए और इस तरीके से कर ले। फिलहाल आपकी दोनों कलियां बराबर होनी चाहिए, इस बात पे ध्यान, थोड़ी बड़ी बनी है इसे थोड़ा इस तरीके से छोटा कर लेते हैं। दोनों कलियां आपकी बराबर हो इस बात पे ध्यान हो। अब इसे फूल को गोलाई में लेकर के जाएंगे, इस तरीके से मैंने बना लिया, दूसरी कली को इस तरीके से बना लिया, धीरे धीरे फूल जो है गोल शेप आकार ले रहा है और इस तरीके से बन गया। अब इसमें ये वाला जो है निकाल देते हैं, ठीक, और इसमें इस तरीके से कर दिया। करना कुछ नहीं है, जरा सा दिमाग लगाइए और थोड़ा धैर्य रखिए। अगर आपको कलर करना है तो इसमें मैं जो इस तरीके से लाइनें बना रहा हूं, ये लाइनें आपको नहीं बनानी है, क्योंकि पेंसिल से और जब कलर करते हैं तो काला स्थान हो जाता है, इसलिए नहीं बनाई जाती हैं, ये बाद में बना दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर कलर थोड़ी ना करना है, तो इस तरीके से हम रंग लेंगे और इस तरीके से बीच में रख देंगे, ठीक है। अब इसमें कोई भी इस तरीके से कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे, ठीक, लाइन खींच ली और इस तरीके से इस पर कुछ ना कुछ बना दिया, ठीक है। और पत्ती इधर के लिए निकाल दी, और पत्ती जैसी झुकेगी उसी के ऊपर हम चलते चले जाएंगे, पत्ती को बीच वाली जो इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। हाँ, अब क्योंकि तीन चीजों के ऊपर आधारित होता है फूल, कली, पत्ती और फूल, तीन चीजें होती है। अब इसमें हमें कली भी बनानी है, तो कली को यहाँ से कोई जगह मान करके इस तरीके से बना ली और इस तरीके से लेकर के जाएंगे और कली का इसे शेप देंगे, देखो इस तरीके से, और ऐसे करना और कुछ नहीं करना है, इस तरीके से और इस तरीके से। ये अधखिली कली होती है, इसलिए कुछ नहीं करना होता है, इस तरीके से बन जाएगी। और इसमें यहाँ से हल्का सा ये निकाल देंगे और यहाँ हो जाएगा ये किसका फूल तैयार है, गुड़हल का फूल तैयार, धीरे धीरे हो रहा है। और इधर पत्तियां निकालना चाहो तो आप पत्ती इधर निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे अतरची हो गई, दोबारा समझ लेते हैं इसे, उल्टी साइड में है ना, ठीक। कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। अब इस तरीके से आपका गुड़हल का फूल तैयार। अगला फूल सीखना है तो सूरजमुखी का, तो इसे मैं थोड़ा साफ कर दूं, आप स्क्रीनशॉट जब भी लेना चाहें तो इसे ले लीजिए और आसानी से बनाना सीखिए, ठीक है। इसे मिटा देते हैं और सूरजमुखी का फूल दिखाते हैं कि किस तरीके से सूरजमुखी का फूल बनता है। तो सूरजमुखी के फूल में क्या करना होता है कि एक हम छोटा सा गोला खींचते हैं, आज सारे फूल सिखा देंगे, बस बने रहिए धैर्य के साथ। और एक प्रकार से क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक दूसरा गोला खींचते हैं थोड़ी दूर पर, जिससे आपकी सारी कलियां बराबर रहें, क्योंकि बच्चा नया होता है, वो कभी कली छोटी बनाएगा तो कभी कली बड़ी बना देगा, फिर जो है आपकी कलियां खराब हो जाएंगी, फिर देखने में फूल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे भी बिल्कुल गोल बनाते हैं जैसा बन गया, ठीक है। अब इस तरीके से कोई बराबर दूरी तक, एक हर कली जो है आपकी बराबर दूरी तक जानी चाहिए, जितनी जितनी भी बड़ी कलियां बनेंगी वो सारी बराबर बननी चाहिए। अगर यहाँ पर जगह छोड़ते हैं तब भी कोई बात नहीं, इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी बन जाए कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, अरे सर हमारी तो कली तिरछी हो गई, हमारी तो कली इस तरीके से हो गई आपकी, बस अब इसमें क्या करना है, बीच वाली कली निकाल देना है, ठीक है। बीच वाली कली निकाल दी, इस तरीके से निकाल दी बीच की कली, ठीक है, और इस तरीके से मिला दी सारी कलियां। अब कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, धीरे धीरे आपका सूरजमुखी का फूल तैयार हो रहा है।
अब इसमें क्या करते हैं, जब कलर करेंगे तो इस तरीके से हम कर देंगे, लेकिन अगर कलर नहीं करना है, कलर तो करना ही पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बिना कलर से थोड़ी ना चलेगा यहाँ पर। और इस तरीके से कर देते हैं, थोड़ा फूल अच्छा लगने लगता है ये, और यहाँ पर भी इस तरीके से कर देंगे जो मेन वाली थी उनमें। ठीक है, आपको हमारी वीडियो में कभी कभी अननेसेसरी शोर दिखाई सुनाई सुन पड़ सकता है, क्योंकि खुले में आवाजें इधर उधर से आती रहती है। ठीक है, सूरजमुखी का धीरे धीरे फूल तैयार हो रहा है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए। अब क्या होता है कि वहां जो है आपको षटभुज में बनाने को आएगा, या तो वृत्त में बनाने के लिए आएगा, या चतुर्भुज में बनाने के लिए आएगा, या आयत में बनाने के लिए आएगा, तो उसी तरीके से इस तरीके से हम इसे बना लेंगे, पत्तियां बना लेंगे, और कुछ नहीं करना है, बस लोग कहते ना आंखें बंद करके बना लीजिए, तो आंखें बंद करके बनाइए, बस आराम से बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सूरजमुखी का फूल बनाना सीख लेते हैं, गुलाब का सीख लिया, गुड़हल का सीख लिया, उधर कमल का सीख लिया। अगर आप ये सब सीख लेते हैं, और ये जरूरी नहीं कि आप सारे सीख लें, इसमें से कोई भी एक फूल आप सीख लीजिए, जो आपको सबसे सरल लगता हो वो फूल सीख लीजिए, और एक फूल आपको 30 नंबर दे करके जाएगा। और दो सेट करने के लिए आएंगे, अंगूर का गुच्छा है, आम है, कप प्लेट है, सुराही है, ये चीजें अगली वीडियो में सिखाते हैं। तो तब तक के लिए ये सब सीखिए और घर पर आसानी से बनाइए, ट्यूब खरीद लीजिए, ब्रश खरीद लीजिए, और ड्राइंग का काम अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम का 2 महीना बचा है। तो आशा करता हूँ कि ये सब आपको बड़ा इजी ढंग से मैंने समझाया और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।